तो कुसुम्बा से नुसा पेनिडा जो सिर्फ आधा घंटा ही लगाती है बोटे स्पीड बोट, वो 8 बोटे दिन की चलती है। जरा पोर्ट पर सुसु करने का भी पैसा डालना पड़ा 2000, वो भी 2000 मतलब कितना 11 रुपया हो गया, और चिची करने का 5000 मतलब 27-28 रुपया। महंगा है यार चाचा बाली में चुचू चिची करने का। तो गाइज बाली में हम कुटा सेमिनिया उबूद को एक्सप्लोर करके कल हम निकलने वाले हैं नुसा पेनिडा के लिए, और यही हमारी लेन है जहाँ पे हमारा होटल स्टे उबूद में। इसी लेन में हमको एक शॉप मिल गई माड़े माको, जहाँ पे ओए होए क्या पैकेज मिल गया हमको, मतलब बहुत सस्ता में मिल गया 7 लाख इंडोनेशियन रुपया हम दोनों का, यानी कि पर पर्सन 1900 रुपीस के आसपास इंडियन करेंसी में होता है, जिसमें कल ये होटल से पिकअप करेंगे और स्पीड बोट से हम जाएंगे नुसा पेनिडा, फिर परसों वापस नुसा पेनिडा से स्पीड बोट पकड़ के आएंगे बाली के आइलैंड में, और यहाँ से फिर ड्राइवर पिकअप करके हमको कुटा होटल तक छोड़ेगा। सारी चीज़ें इंक्लूडेड है मतलब। बस कर पगले, एक ही दिल है कितनी बार जीतेगा। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में बाली सीरीज के। इस वीडियो में हम उबूद को, इस होमस्टे को अलविदा कहके जा रहे हैं नुसा पेनिडा। बता दूं कि नुसा पेनिडा बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है बाली का, जो आइलैंड है बाली का जो आइलैंड है उसी के बगल में नुसा पेनिडा छोटा सा आइलैंड है जो आप फेरी से जा सकते हो। बाली का ही पार्ट है आप बोल सकते हो, है ना, एक दिन काफ़ी है घूमने के लिए, तो हम वो कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि यहाँ से पहले हम जाएंगे कुसुम्बा पोर्ट, क्योंकि बाली से नुसा पेनिडा जाना है ना, तो बाली में दो पोर्ट है जहाँ से फेरियाँ चलती है, जहाँ से बोटें चलती है, एक है सानूर एक है कुसुम्बा। उबूद के ईस्ट में आता है कुसुम्बा पोर्ट, और कुटा या फिर नीचे की तरफ आप कह सकते हो कुटा के ईस्ट में आता है सानूर पोर्ट। बेसिकली होता क्या है ना कि यहाँ से कुसुम्बा जाओ कि सानूर जाओ, दोनों एक एक घंटे का ही डिस्टेंस है गाड़ी में, ठीक है, लेकिन सानूर से एक घंटा लगाती है फेरी पहुँचने में नुसा पेनिडा, और कुसुम्बा से सिर्फ आधा घंटा ही लगाती है, जिसके वजह से आज हम यहाँ से कुसुम्बा जाएंगे। कुसुम्बा पोर्ट में भी इंक्वायरी कर लूँगा कि भाई क्या क्या टाइमिंग से बोटें चलती है नुसा पेनिडा जाने के लिए कुसुम्बा से, और उसके बाद पहुँच जाएंगे नुसा पेनिडा। पैकिंग डन? यस पैकिंग। ओके आ जाओ। लो जी निकल पड़े हैं गाइस नुसा पेनिडा के लिए, आई मीन पोर्ट के लिए, और बता दूं एज एक्सपेक्टेड इतने चीप में पैकेज था, जिसकी वजह से पहले से ही पता था कि जो ट्रांसफ़र होगा ना वो प्राइवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो कार में ऑलरेडी एक कपल फॉरेन का कपल बैठा हुआ है, रितिका मैडम पीछे बैठी हुई है, और ये कह रहे हैं कि एक और कपल जुड़ेगा, मतलब हम तीन कपल है इस बड़ी सी गाड़ी में। एनीवेज आप मेरे को हमेशा पूछते हो ना कि मैं चीप में बुकिंग्स कहाँ से करता हूँ ट्रैवल के, और फास्टेस्ट बुकिंग भी कहाँ से करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप। वीगो एक फास्ट लोडिंग ट्रैवल बुकिंग ऐप है और मेरा पसंदीदा भी है, बिकॉज जब भी फ्लाइट वगैरह बुक करनी रहती है तो फ्लाइट कंपनीज और बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करता है और इंस्टेंटली बहुत सारे ऑप्शंस रख देता है। सिमिलरली जब भी मेरे को होटल बुकिंग करनी रहती है तो बस जैसे ही सर्च करता हूँ तो बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करता है और बहुत सारे ऑप्शंस मेरे सामने रख देता है। वीगो ऐप में मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ IRCTC इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स भी बुक कर सकता हूँ। तो गाइस जब एक ही ट्रैवल बुकिंग ऐप में सारे टाइप की बुकिंग हो जाती है तो फिर क्या ही दिक्कत है। अब भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो उसे अपडेट जरूर करना टू एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स। लो जी गाइस ये हम पहुंच गए कुसुम्बा पोर्ट, जहाँ से नुसा पेनिडा के लिए बोट जाएगी। और बता दूं कि ये जो कुसुम्बा पोर्ट है ना, यहाँ पे कंपनियों के हिसाब से हार्बर्स है, मतलब जैसे कि ये है गंगा एक्सप्रेस का, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गंगा एक्सप्रेस की बोटें चलती है, और उस तरफ आपको दिख रही है वो बोट दूर से, वो अलग हार्बर हो गया। इस तरह मतलब 3-4 कंपनियों की अलग अलग ऐसे ब्रिजेस रहेंगे, ऐसे हार्बर रहेंगे। तो अगर सिर्फ गंगा एक्सप्रेस की बात करूँ ना, तो कुसुम्बा से नुसा पेनिडा जो सिर्फ आधा घंटा ही लगाती है बोटें स्पीड बोट, वो 8 बोटें दिन की चलती है। अगर टाइमिंग की बात करो तो ये रही त्रिभुवना, मतलब ये हो गया कुसुम्बा जहाँ पे हम खड़े हैं, ये इनका पोर्ट का नाम है, और संपालन बेसिकली हो गया ये नुसा पेनिडा का पोर्ट, ठीक है, जहाँ पे हमें उतारेगी। तब ये सारी सुबह से शाम तक की टाइमिंग है, आप देख लो उस हिसाब से डेली चलती है, और वापस नुसा पेनिडा से कुसुम्बा मतलब वापस यहाँ आने के लिए 8 बोटे अगेन, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है।
कुछ कंपनियों की 8 चलती है, कुछ कंपनियों की 6 चलती है। अगर रेट की बात करूँ ना तो लगभग सारे फास्ट बोट की कंपनियों के रेट एक ही होते हैं और वो है 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपया एक तरफे का और 3 लाख रुपया रिटर्न टिकट। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करो तो हो सकता है कि रिटर्न टिकट आपको 2.5 लाख में भी दे। कहने का मतलब है हमने जो पैकेज खरीदा ना 7 लाख में, तो देखा जाए तो 6 लाख तो सिर्फ बोटों का ही जाता अगर खुद से भी जाते तो जो इतना हम आए ना उबुट से यहाँ तक या फिर कल भी हम जाएंगे सानूर पोर्ट उतर कर वापस कूटा, वो सिर्फ 1 लाख में ही पड़ा है अपने को, बजाय अगर उबर अगर ग्रैप या फिर ऐसा कुछ करते तो 3 लाख तक पक्का जाता। तो बेसिकली पैकेज इसलिए काम आता है कि आप साथ में लोगों के साथ आ सकते हो जिसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बच जाता है। तो ये रेट सानूर से भी यही लगता है? सानूर से हो सकता है कि 2.5 लाख में रिटर्न टिकट मिले बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। अच्छा। बोट्स की कंपनियाँ ज़्यादा है, यहाँ पे 2-3 फेरी की कंपनियाँ ही है, स्पीड बोट की कंपनियाँ है, जिसकी वजह से 3 लाख में रिटर्न टिकट है लेकिन वहाँ पे 2.5 लाख की रिटर्न टिकट, लेकिन 2.5 लाख से नीचे नहीं है, ये पक्की बात है। 2.5 लाख तो मिनिमम लगता है पर पर्सन। सारा पोर्ट पर सुसु करने का भी पैसा डालना पड़ा 2000, वो भी 2000 मतलब कितना 11 रुपया हो गया, और चिची करने का 5000 मतलब 27-28 रुपया। महंगा है यार चाचा बाली में चुचू चुची करने का। कुछ कुछ होता है नहीं, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है नहीं बाबू जी। जैसे ही आप नूसा पेनिडा उतरते हो ये संपालन पोर्ट पे, तो बाहर आपको 2-व्हीलर के रेंट की भरमार मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऐसा छोटा है ना सस्ता वाला, वो आप 50,000 इंडोनेशियन रुपया यानी कि 280-270 रुपये में ले सकते हो एक दिन का रेंट। और ऐसा कुछ बड़ा चाहिए तो वो 1 लाख के ऐसा कुछ बोलेगा, लेकिन आप बार्गेनिंग करके 70,000 तक ला सकते हो। अभी तो हो रही है बारिश और मेरे पास सामान भी ज़्यादा है, छोटा सूटकेस इधर आ जाएगा, बाकी मैं और रितिका बड़े सी जगह में आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा वाला ले रहे हैं हम 70,000 इंडोनेशियन रुपया में एक दिन का। 70,000 कितना हो गया, 380-390 रुपये के आसपास एक दिन का, तो उसी हिसाब से नूसा पेनिडा ये लेकर ही कवर करेंगे, तो दिक्कत वाली इतनी बात होगी नहीं। अरे वाह, फाइनली धूप खिल उठी है। वही मैं सोचा था कि नूसा पेनिडा पहुँचते ही बारिश इतनी हो गई थी, पता नहीं आज घूम पाएंगे कि भी नहीं। 10 बजे सुबह पहुँच गए थे पोर्ट, पहुँचते ही हमने 2-व्हीलर रेंट करी और आ गए थे 600 मीटर के एरिया में, जो कि पहले से सोच के रखा था कि हम यहीं पे जाएंगे बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल्स होमस्टेज होटल्स काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और हमने ऑनलाइन पहले बुकिंग नहीं करी थी बिकॉज सब फैसिलिटी देखकर बुक करना था। और सुबह 10 ही बजे थे तो हमें पता था कि काफ़ी टाइम है, हमें चेक इन भी शायद तक ही मिलेगा इतना जल्दी, बस वही बात है। तो यहाँ पे ब्राइट हॉस्टल है, मून हॉस्टल है, रेट का 90,000 था पर पर्सन यानी कि 500 रुपये के आसपास, जो कि फेयर इनफ है एक बेड का 500 रुपया डॉर्म का। तो लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ हुई, 2 चीज़ों में, एक तो किचन नहीं था मून हॉस्टल वगैरह में, दूसरा ये कि 10 बजे चेक इन कोई नहीं दे रहा था, सब कह रहे थे कि नहीं 2 बजे से पहले चेक इन नहीं। सामने ही हमको लकीली होम स्टे मिल गया, इसका नाम है गिरिया नूसा होम स्टे, GRIA या फिर ऐसा लिखा रहेगा नीचे, गिरिया नूसा होम स्टे, जो कि 600 मीटर की दूरी पर ही है संपालन पोर्ट से। सच में कह रहा हूँ रिकमेंडेड है फुल। इसका कारण ये है ना कि अब बज रहे 12, मतलब 2 घंटा ही हुआ है, लेकिन कितने अच्छे ओनर है यू वॉन्ट बिलीव, कि पहले तो चेक इन दे दिया जल्दी, ऊपर से booking.com वगैरह से भी सस्ते रेट में दे दिया है ना। और तीसरी चीज़ के रूम्स देख लो आप, है ना, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, ये देख लो, मतलब क्या चाहिए। और AC है, ठीक है, और इस तरीके से फैसिलिटी है, इंटीरियर है आप बोल सकते हो, बाथरूम भी शानदार है। एनीवेज अगर रेट की बात करो तो ये रूम मुझे पड़ा है 1,60,000 यानी कि इंडियन करेंसी में 900 रुपीज़ के आसपास होता है, फेयर इनफ, क्योंकि ले अर्ली चेक इन भी दिया, AC है और क्या चाहिए, और लोकेशन भी अच्छा है नियर टू द पोर्ट। तो अभी क्या करते, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि 2-व्हीलर भी रेंट कर चुके, तो क्या ही दिक्कत है ना, घूमते फिरते नूसा पेनिडा अच्छे से देखते, टूरिस्ट अट्रैक्शन वगैरह। क्या बोलती हो रितिका, रेडी हो गई हो? हाँ तो चले फिर, ओके। सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं नूसा पेनिडा की कैलिंकिंग बीच जाके, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है नूसा पेनिडा का और सबसे फेमस बीच है।
कहीं जाने से पहले हम रास्ते में रुक चुके सीक्रेट पेनिडा कैफे में, जो कि एक बहुत ही शानदार कैफे है। इनफैक्ट अगर व्यूज और एम्बियंस की बात करूँ तो गोवा जैसे वाइब्स आएगी, लेकिन अच्छे पानी के साथ, कह सकते हो आप मॉल्डीव्स वाला पानी के साथ। जी हाँ, हमने मंगाया फ्रेंच फ्राइज जो कि 55,000 का है, और एक स्मूदी मंगाई ना बनाना स्ट्रॉबेरी जो कि है 45,000, मतलब 1,00,000 आएगा। ऊपर 16% टैक्स भी लगे तो 1,16,000 का बिल बनेगा। अगर देखने मिलते हैं ना रास्ते में तो और ही मन मोह लेता है, सच कह रहा हूँ। मतलब जो ट्रेडिशनल फॉर्म में घर है और जो रास्ते एकदम क्लीन है, ग्रीनरी है, ओए होए मजा आ रहा है चलाने में। बहुत ब्लू है, चलना है नीचे, जा भी सकते हैं नीचे। पर इतना? हाँ इतना क्या, आधा घंटा लगेगा। और देखो पब्लिक जा भी तो रही है सब पूरा नीचे तक, क्योंकि जस्ट इमेजिन इतना ब्लू पानी में नहाने मिलेगा, आई मीन थोड़ा एंजॉय करने मिलेगा। लेकिन वापस ऊपर चढ़ना भी तो है। हाँ वो तो है ऑफकोर्स, नीचे से थोड़ी ना बोट से जाएंगे, ऊपर आना भी तो पड़ेगा वापस। मौसम का भी डर है और समय की पाबंदी तो नहीं बोल सकता, क्योंकि एक डेढ़ घंटा ही तो जाएगा आने जाने में, लेकिन मौसम की मार आप कह सकते हो, क्योंकि पूरे काले बादल छाए ऊपर, जिसकी वजह से नीचे जाने का रिस्क लेना नहीं है, बिकॉज नीचे गए और बारिश हो गई, वापस जाना है ड्राइव करके। एक घंटे की ड्राइव है संपालन, जहाँ पे हमारा स्टे है, से यहाँ तक कैलिंगिंग पूरा अपोजिट है, तो बारिश के वजह से ही वो डर है कि नीचे ना जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रास्ता थोड़ा खतरनाक है, मैं बता दूँ, ये वाला जो है ना उतरने का चढ़ने का ये रास्ता थोड़ा डेंजर है, बारिश के टाइम पे अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर होगा, जिसकी वजह से हम अवॉइड कर रहे हैं इस बार तो नीचे उतरना। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे मौसम अच्छा रहेगा तो उतर। हाँ क्या दिक्कत है। चलो भैया वक्त हो गया है निकलने का, बिकॉज बादल लिटरली मुँह पे आ रहे हैं अभी, है ना। नीचे से देखो ऊपर बादल कैसे आ रहे हैं, ओए होए होए, ऊपर से तो अभी दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। लिटरली लग रहा है तूफान आ गया है, किसी की टोपी उड़ रही है, किसी का क्या उड़ रहा है, झाड़ इतने हिल रहे हैं। यहाँ से निकलना ही अभी सही है। यहाँ की बता दूँ बात तो एंट्री फी कोई नहीं लगती है, सिर्फ पार्किंग चार्जेस लगता है। हमारा टू व्हीलर का लगा 5,000, यानी कि 27-28 रुपया आप कह सकते हो पार्किंग फी लगती है दैट्स इट। भाई साहब क्या बारिश शुरू हुई, मतलब क्या बताओ, धीरे 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 बढ़ती गई। और जो स्पेकुलेशन था ना कि भाई जी एक काम करते आगे नहीं घूमते हैं सीधा निकलते हैं होमस्टे की तरफ, वो बहुत सटीक गया, सही गया। इसका कारण ये है कि पूरे रास्ते हल्की हल्की बारिश थी, अभी थोड़ी तेज भी हो गई थी, बीच में वापस रुक गई है, अभी हल्की हल्की आ रही है, इतनी नहीं आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात हमको नहीं हुई, बिकॉज हमारे रास्ते के टाइम हल्की थी बारिश, है ना। लेकिन मजेदार था सफर, कैसा था सफर? बहुत अच्छा था, बारिश की वजह से ना व्यू और अच्छा हो गया और एक्सट्रीमली बन गया था। एनीवेज वहाँ से हमें और आगे जाना था ब्रोकन बीच, जो वहाँ से और आधा घंटा का दूरी था, वो भी वैसा ही था जैसे हमने ये कैलिंगिन बीच कैसे ऊपर से देखा, वैसे बस ब्रोकन बीच, बीच से ऐसा केव जैसा है जहाँ से पानी आते जाते हैं, आई मीन दिखता है, वही बात है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम क्या करते हैं आज इधर ही इंजॉय करते हैं होमस्टे में, कैरियोके वैरियोके में गाने वाने गा लेंगे, और तो क्या तुम भी किचन में थोड़ा बना दो। हाँ। बारिश भी हो गई तेज, लकीली टाइम सर पहुंच गए, ओए होए हाय मजेदार मजेदार। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अट्रैक्शंस जो भी है वो हम कल सुबह कवर कर लेंगे, बिकॉज 10:30 के आसपास उसको देना है ना टू व्हीलर वापस, तो 6 बजे उठ के भी कवर करेंगे तो कोई पंगे वाली बात होगी नहीं, वो सब लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, है ना। तो यू ही बने रहिए, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आप भी बाली आइलैंड से चाहे कुटा हो कि उबुद हो कैसे आ सकते हो नुसा पेनिडा।
पेनिडा और कहाँ पे आपको स्टे लेना चाहिए, क्या क्या घूमना चाहिए। हालांकि कुछ कुछ ही अट्रैक्शन दिखाए हैं, बाकी थोड़े बहुत एक दो कल कवर कर लेंगे। फिर कल अपन वापस कुटा जाएंगे बोट से, तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सानूर में हम उतरे गए तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, है ना, कि वापसी जाने की क्या होगी। और तो और मैं सोचा हूँ कि बाली का जो टोटल एक्सपेंस है वो भी कितना हो सकता है, बजट ट्रिप कैसे हो सकती है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, पता लग जाएगी। बिकॉज नेक्स्ट वीडियो होगा आखिरी वीडियो बाली सीरीज का, क्योंकि परसों की हमारी फ्लाइट है दोपहर की वापस बैक टू इंडिया की, है ना। तो यू ही बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करना। तब तक एक गाना हो जाए आपके लिए, और अलविदा।